ओनिडा या ईगो की टीवी में अगर हमको एबीएल की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले देखें कि अगर उस ईगो या ओनिडा की टीवी में ये चिप आईसी लगी हुई है, यानी M61266 या M61264, अगर ये दोनों में से कोई भी है, यानी ये इक्विवेलेंट नंबर है, तो यहाँ पे सबसे पहले एबीएल वाले पॉइंट पे हम चेक करते हैं। यानी ये जब हमारा लो कंट्रास्ट हो या हमारे पे ये स्क्रीन पे डिस्प्ले ना शो हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हमको ये टेस्टिंग करनी पड़ती है, जो कि हम यहाँ पे आते हैं ये एबीएल पॉइंट पे सीधे। अगर एबीएल इसके पॉइंट पे, यानी एबीएल के इस पिन पे, ये एसटी है 10 पिन की, और इस पे अगर ये वोल्टेज यहाँ पर -21 वोल्ट के आसपास अगर मिलते हैं, यानी अधिक वोल्ट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये रेजिस्टेंस, ये डायोड, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये तीनों में से क्लियर करेंगे कौन सा ओपन है या किसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है। क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर ये 8 वोल्ट का ये सप्लाई इससे इंक्लूड नहीं होगा, यानी इससे मिलेगा नहीं, तब तक ये वोल्टेज अधिक फ्लो दिखाई देगा, यानी ये माइनस में दिखाई देगा। जैसे ही ये यहाँ पे आप इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर करके जो है यहाँ पे मिलाते हैं ई बिल वाले पॉइंट पे, तो तुरंत ये वोल्टेज क्या होगा कि 2.1 वोल्ट से लेकर 5.1 वोल्ट, यानी बीच में जो है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे करके कम अधिक होता रहेगा यहाँ पे, जैसे हमारी स्क्रीन की ब्राइटनेस कम या अधिक होगी। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे लो कंट्रास्ट होता है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब स्क्रीन पे अगर कंट्रास्ट हमारे मर जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ एबीएल वाले पॉइंट पे आप वोल्टेज चेक करें। जैसे यहाँ पे अधिक वोल्ट दिख रहा था, तो आपको ये क्लियर हो गया कि 8 वोल्ट, या हमारा जो अगर अलग, जैसे एलजी में देखते होंगे कि एबीएल के लाइन में 110 से एक रेजिस्टेंस उठा के यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आती है तो लोग अलग से जो है एक रेजिस्टेंस लगा कर कहीं ना कहीं से सप्लाई देने का प्रयास करते हैं, वैल्यू को अपने एक तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो तरीका क्या है कि एक अंदाज के तरीके से आप मिलाते हैं उसके कंट्रास्ट को, लेकिन यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू है इसकी, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। कि जैसे हमारा ये ओपन हो गया, तो यहाँ पर देखें कितने वैल्यू की रेजिस्टेंस है, यानी जैसे देखिए यहाँ पे 2222 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 2200 का रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे 274 लिखा हुआ है, तो ये 270K का हो गया। इसी तरीके से हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर ये भी वाले पॉइंट पे इतना वोल्ट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ सीधे आइए, यहाँ पे 8 वोल्ट चेक करिए, और ये सीधे यहाँ पे चेक करिए। अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो इस रेजिस्टेंस को ओपन के लिए चेक करें या इसके जगह पे दूसरा लगाएं, और उसके बाद अगर यहाँ पे ये वोल्टेज मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा रेजिस्टेंस ओपन होगा या ये डायोड फॉल्ट होगा। यानी सब मिला के 1, 2, 3, 4, ये चारों में से कोई ना कोई ओपन के लिए चेक करें, और ये आपको यहाँ पे जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो तुरंत ये वोल्टेज हमारा इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये जो माइनस दिख रहा था, सप्लाई अधिक दिख रही थी, ये गायब हो जाएगा, और हमारा 1.8 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये कम अधिक होते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि लो कंट्रास्ट में ये हमारा शॉर्ट हो जाता है पीएफ, या लीकेज हो जाता है, तो कभी कभी पिक्चर हमारा ठीक दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, तो इस कंडीशन में इस पीएफ को चेंज करके देखें, और उसके बाद ये डायोड भी जो है शॉर्ट या लीकेज हो सकता है, यानी ये दोनों कंडीशन में हमारे कंट्रास्ट मर जाते हैं, और इसके वैल्यू भी हाई अगर हो जाएंगे या बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यानी कंट्रास्ट से रिलेटेड या ब्राइटनेस से, डिस्प्ले से रिलेटेड या वैल्यू, ये एबीएल के पॉइंट को हमको चेक करना होता है, और ये एबीएल जो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल की जो फीडबैक होती है, यानी एसटी का फीडबैक जो है यही है, यानी जो है ओसिलेशन के द्वारा जो हमारा 15625 की फ्रिक्वेंसी से स्विचिंग किया जाता है इसे, तो इसकी फीडबैक इसी से दिया जाता है, और इसे यहाँ पे इनपुट के तरीके से इन कराया जाता है, चूँकि यहाँ पे जो भी पोजीशन होगा उसे सेंस करके ये फीडबैक के रूप में यहाँ पे देता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर एसटी में इसके नंबर को लेकर है, तो यहाँ पे इसके 3 नंबर दिए हैं, जो कि इसका इक्विवेलेंट है, और ये रिमोट का जो है सर्विस कोड है, यानी डिस्प्ले और VSM दोनों बटन एक साथ दबाएंगे, तो हमारा सर्विस मेनू खुल जाएगा, जिससे इसके इंटरनल की सेटिंग आप कर सकेंगे। और CRT
बेस की तरफ जाने वाला वायर के पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 वोल्ट आपको दिखेगा, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे जो है 1.7 वोल्ट, यानी ये तीनों RGB हैं, और ये जो है 8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे है और ये ग्राउंड है। इसी तरीके से इसकी सारी चेकिंग की जाती है। और ओनिडा के और जो कॉमन प्रॉब्लम आते हैं SMD में, मैं उसे 1 बाय 1 फॉल्ट को क्लियर करके वीडियो आपको दे दूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।